महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार पर मंडराते खतरे के बीच राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बीते चार दिनों में विकास संबंधी कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की निधि जारी करने का आदेश दिए गए। जिन विभागों द्वारा निधि जारी की गई है उनमें से अधिकांश गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नियंत्रण वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। राज्य सरकार द्वारा जारी ये सभी आदेश महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। सरकार की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के समय यानी 20 से 23 जून के बीच विभिन्न विभागों ने कुल 182 सरकारी आदेश जारी किए, जबकि 17 जून को 107 ऐसे सरकारी आदेश पारित किए गए। आपको बता दें कि तकनीकी तौर पर इन्हें सरकारी प्रस्ताव कहा जाता है, जो विकास संबंधी कार्यों के लिए धन जारी करने की मंजूरी देने वाला एक आवश्यक अनुमोदन आदेश होता है।